वेलकम टू माय चैनल। और आज हम न्यूमेरिकल्स ऑफ फंक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले कि ए कोई सेट है, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट हमारे पास जैसे -1, 0, 1, ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट है। और फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है कि फंक्शन, ठीक है, किस तरीके से डिफाइंड है हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप के हैं, एक्स एक्स, ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, जब क्या हो हमारे पास ए की सेट गिवन हो, ठीक है, वन सेट गिवन, ठीक है, किस तरीके से, जैसे फंक्शन हमारे पास ए से ए, ठीक है, पहला सेट भी वही हो, सेकंड सेट भी वही हो, ठीक है, और फंक्शन हमारे पास जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या राइट डाउन करेंगे हम, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन को सबसे पहले राइट डाउन करेंगे, ठीक है, कि फंक्शन के अंदर क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, एफ एक्स, ठीक है, या फिर एफ किस तरीके से डिफाइंड था, एक्स वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है, सच दैट पहला एलिमेंट पहले सेट से, सेकंड सेकंड सेट से, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, ये कंडीशन होती है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब एफ एक्स इज इक्वल टू वाई किसके बराबर है, एक्स स्क्वेयर के, मतलब पहला पहले सेट से, क्या हमारे पास जो जब फाइनाइट सेट हो, क्या हो, फाइनाइट सेट, इस तरीके से, ठीक है, एक्स को वैल्यू हम देंगे, ठीक है, जो फंक्शन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर लिखने में, इस तरीके से, ठीक है, दो एलिमेंट किसका किसके साथ रिलेशन है, ठीक है, तो जो एक्स है पहले एलिमेंट के, पहले सेट के जो एलिमेंट है, ठीक है, उनको वैल्यू हम देंगे, ठीक है, वी विल गिव वैल्यू टू एक्स, ठीक है, एक्स कहां से, पहले सेट से, ठीक है, जितने भी पहले सेट के एलिमेंट होंगे। अब फंक्शन है ए से ए तक, मतलब जैसे सेकंड सेट इस तरीके से सेम है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। अब कंडीशन किस तरीके से, एफ एक्स इज इक्वल टू आई किसके बराबर है, एक्स स्क्वेयर के, ठीक है, मतलब जो पहले सेट के एलिमेंट है, पहले सेट के एलिमेंट है उनको तो वैल्यू हम देंगे किस तरीके से, -1। सबसे पहले जैसे एफ ऑफ -1 किसके बराबर है, एफ ऑफ -1, ठीक है, किस तरीके से, एक्स का स्क्वेयर, मतलब -1 का स्क्वेयर कितना होता है, +1। इसके बाद एफ ऑफ 0, ठीक है, और लास्ट में एफ ऑफ 1, ठीक है, 0 का स्क्वेयर 0, 1 का स्क्वेयर 1, तो रिलेशन क्या क्या होंगे, -1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ, फिर 0 का 0 के साथ, और इसके बाद 1 का 1 के साथ, इस तरीके से रिलेशन हमारे पास, ठीक है। जैसे मान लीजिए फंक्शन के लिए जैसे दो सेम सेट है, जैसे ए ए, ठीक है, ए के एलिमेंट क्या थे, -1, 0, 1, ठीक है, और सेकंड सेट के भी सेम थे। अब फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, यहां पर -1 का रिलेशन किसके साथ है, +1 के साथ, ठीक है, फिर 0 का 0 के साथ और 1 का 1 के साथ, इस तरीके से। अब क्या चेक करना होता है हमें, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होंगे, जो 1, 1 भी हो फंक्शन और 1, 2 भी हो। सबसे पहले क्या हो, 1, 1 के लिए सबसे पहले डेफिनेशन पता हो हमें, क्या हमारे पास कि नाम से पता चलता है कि 1 का 1 के साथ रिलेशन, एक एलिमेंट है उसका एक ही के साथ रिलेशन हो, मतलब कोई एलिमेंट उसकी एक ही इमेज हो, एवरी एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, 1, 1 के लिए, ठीक है। अब जैसे यहां पर -1 का रिलेशन 1 के साथ है और 1 का रिलेशन भी 1 के साथ है, मतलब पहले सेट के दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी सेम इमेज है, जिनकी क्या है, सेम इमेज, लेकिन 1, 1 के लिए क्या था हमारे पास कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट है और डिफरेंट इमेज, लेकिन यहां पर क्या है, दो सेम एलिमेंट हैं, दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज है, ठीक है, तो फंक्शन क्या नहीं होगा, not 1, 1, ठीक है, not 1, 1। और बाइजेक्टिव के लिए क्या था हमारे पास, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करे,
जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा फंक्शन तभी बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। तो फंक्शन ए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्या नहीं होगा, नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, कि एफ एक्स है, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस टू, ठीक है, इस तरीके से डिफाइंड है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, तो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस टू, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू आर, आर क्या है यहां पर, आर है रिलेशन, ठीक है, रिलेशन नहीं रियल नंबर, ठीक है, जैसे आर रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को भी, लेकिन रिलेशन और रियल नंबर, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, जैसे रियल नंबर तो जैसे कोई भी नंबर है अलग अलग से, माइनस वन जीरो वन टू, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, इस तरीके से स्क्वेयर रूट ऑफ टू ये भी रियल नंबर है, ठीक है, सिंपली रूट में नेगेटिव ना हो आयोटा, ठीक है, उससे अलग क्या होते हैं रियल नंबर। लेकिन रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर टाइप से एलिमेंट होंगे, ठीक है, यहां पर तो जैसे अलग अलग एलिमेंट है रियल नंबर में, लेकिन रिलेशन के अंदर क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, इस टाइप से, जैसे एक्स वाई टाइप से, ठीक है। और रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड होता है, कि एक्स वाई टाइप से एलिमेंट होंगे सच दैट पहला पहले से और सेकंड सेकंड सेट से, ठीक है, और इसी में जब एफ एक्स इज इक्वल टू वाई टाइप की कंडीशन लगा दे तो क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। अब जैसे यहां पर फंक्शन है, मान लीजिए आर से आर, रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब जब क्या हो हमारे पास इनफाइनाइट सेट, ठीक है, जैसे फंक्शन है दो सेट के बीच में होता है, लेकिन जब दोनों सेट क्या हो, इनफाइनाइट हो, जिसको हम डिफाइन ही ना कर सकें, ठीक है, इस तरीके से एक्स स्क्वेयर प्लस टू, एक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स की वैल्यू हम माइनस वन पुटअप करें, वन पुटअप करें, जीरो, इस तरीके से इन्फिनिटी तक, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है, कि फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव, ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए वन वन और ऑन टू, वन वन और ऑन टू, ठीक है। अब सबसे पहले ऑन टू, ऑन टू के लिए यहां पर चेक करेंगे, ठीक है, फोर ऑन टू फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले जो फंक्शन की क्या डेफिनेशन थी हमारे पास, जैसे रिलेशन तो इस तरीके से होता है, फंक्शन की एक्स वाई टाइप से ऑर्डर पेयर होंगे सच दैट पहला पहले सेट से, सेकंड सेकंड सेट से, और एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था हमारे पास, जो एलिमेंट है, क्या है एलिमेंट एक्स वाई टाइप के, जैसे दो सेट हैं, इसके कुछ एलिमेंट हैं, इसके कुछ एलिमेंट हैं, ठीक है, जो पहले सेट के एलिमेंट है, पहले सेट के एलिमेंट एक्स, उनको क्या कहते हैं हम, डोमेन, ठीक है, डोमेन। और जो कंप्लीट सेट है, जैसे एक्स तो होगा, एक्स का मतलब है यहां पर एलिमेंट, पहले सेट के एलिमेंट, उनको क्या कहेंगे, डोमेन, ठीक है। अब वाई, वाई का मतलब कंप्लीट सेकंड सेट, वाई क्या है, सेकंड कंप्लीट सेट, उसको क्या कहते हैं, कोडोमेन, ठीक है। और इस सेट के, जैसे वाई था हमारे पास, ये तो कंप्लीट सेट, और इसके एलिमेंट वाई सेट के एलिमेंट, उनको क्या कहते हैं, रेंज, मतलब जो जो एलिमेंट यूज हुए हैं, रेंज का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, ठीक है, किसका किसके साथ रिलेशन है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था हमारे पास ऑन टू के लिए, कि क्या था, कि जो सबसे पहले तो रेंज है, जो वो सबसेट होती है, किसकी होती है, कोडोमेन की, ठीक है। अब जैसे क्या हमारे पास, कि रेंज सबसेट है कोडोमेन की, क्यों होती है, क्योंकि जो इस सेट के एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे भी यूज हो सकते हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट भी हो सकते हैं जो यूज ना हो, इससे ज्यादा तो कभी भी नहीं हो सकते, इसलिए प्रॉपर या फिर सिंपली सबसेट, ठीक है, मतलब रेंज जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी सॉल्यूशन होंगे, वो सेकंड सेट के इक्वल भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ठीक है।
इसलिए रेंज किसका सबसेट है, कोडोमेन का, ठीक है। और ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या कंडीशन थी हमारे पास है? कि सारे एलिमेंट, ठीक है, एवरी एलिमेंट, ऑन टू के लिए क्या कंडीशन थी, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज परी इमेज हो, मतलब कि सारे के सारे रिलेशन हो इनका, ठीक है, सभी एलिमेंट का रिलेशन हो सिंपली, तो मतलब एवरी एलिमेंट सभी सेट सेकंड सेट के सारे एलिमेंट यूज हो, ठीक है। ऑन टू के केस में क्या कंडीशन होती है कि रेंज किसके बराबर हो, कोडोमेन के, रेंज किसके बराबर हो, कोडोमेन के, ठीक है, ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब जैसे फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस टू, ठीक है। अब जैसे क्या हमारे पास, सबसे पहले क्या ऑन टू के लिए रेंज किसके बराबर हो, कोडोमेन के। अब कोडोमेन कितनी होगी यहां पर, कोडोमेन मतलब, कोडोमेन का मतलब, कोडोमेन का मतलब सेकंड सेट, सेकंड सेट क्या है, रियल नंबर है, सेकंड सेट क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। और फिर क्या है, रेंज, फिर क्या, रेंज, ठीक है, रेंज। अब जो एक्स स्क्वेयर है, क्या है, एक्स स्क्वेयर किसी नंबर का स्क्वेयर, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हमारे पास यहां पर, कि स्क्वेयर ऑफ एनी नंबर, ठीक है, स्क्वेयर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज, ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वेयर या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव, ठीक है। अब कोडोमेन तो हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। अब रेंज है, क्या है, रेंज है, रेंज क्या होगी यहां पर, रेंज का मतलब जैसे जो सॉल्यूशन हो सिंपली, तो जैसे एफ एक्स इजिकल टू वाई होता है, जैसे सॉल्यूशन का मतलब ये एक्स स्क्वेयर प्लस टू, ठीक है। अब किसी नंबर का स्क्वेयर, जैसे एक्स का स्क्वेयर या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है, और उसमें प्लस टू, जैसे रियल नंबर लाइन है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, किसी नंबर का स्क्वेयर जैसे जीरो, यहां पर माइनस इन्फिनिटी, यहां पर प्लस इन्फिनिटी। अब सबसे पहले एक्स का स्क्वेयर है, मतलब किसी नंबर का स्क्वेयर जीरो या जीरो से ज्यादा, ठीक है, मतलब जीरो या फिर पॉजिटिव, इस तरीके से स्क्वेयर के लिए तो ये कंडीशन है। अब प्लस टू, उसमें दो ऐड किया है, ठीक है, तो रेंज क्या होगी यहां पर, दो से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, दो से लेके इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी के लिए ओपन इंटरवल, क्योंकि इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा नंबर, ठीक है, मतलब या तो सॉल्यूशन दो होगा, ठीक है, मतलब जैसे यहां पर दो है, जैसे यहां पर जीरो है, ठीक है, यहां पर क्या है, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होता है कि ये दो भी होगा, ठीक है, दो भी होगा, दो से ज्यादा भी, ठीक है, लेकिन ओपन इंटरवल का मतलब जैसे मान लीजिए टू से इन्फिनिटी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्या क्या नंबर होंगे इसके बीच में, 2.1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, दो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अब रेंज क्या है, दो से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन कोडोमेन है पूरा रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन रेंज है यहां से, रेंज क्या है, यहां से लेके, ठीक है। लेकिन ऑन टू के लिए क्या कंडीशन थी हमारे पास, रेंज किसके बराबर हो, कोडोमेन के, ठीक है, लेकिन यहां पर कोडोमेन अलग है, रेंज अलग है, ठीक है, तो फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। अब फंक्शन, कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है, है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से सोल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।